दोस्तों ये है सोनाटा गोल्ड का वायरलेस माइक्रोफोन जो कि मोबाइल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेजन पे इसका रेटिंग दोस्तों 4.5 से भी प्लस यहाँ पे देखने को मिला था, इसीलिए जो है हमने ऑर्डर कर दिया कि भाई सच में ये उस काबिल है भी या नहीं। और उसके बाद दोस्तों जब मैंने ऑर्डर किया तो बॉक्स में जो है हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दोस्तों अगर आप 5-star रेटिंग देते हैं तो आपको 200 रुपये जो है कैशबैक आपको देखने को मिलता है, आपको UPI के थ्रू जो है आपको कैशबैक मिल जाएगा। इस टाइप से आपको व्हाट्सएप पे करना है, स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन शॉट दे करके जो है आपको शेयर कर देना है कि हाँ हमने 5-star रेटिंग दे दिया, अब जो आप हमें 200 रुपये दे दीजिए। तो दोस्तों क्या ये जो जेन्युइन इसका रेटिंग है या नहीं है, तो यहाँ पर जो है बहुत ही दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली इसको हम लोग जो टेस्ट करने वाले हैं और टेस्ट करके देखेंगे कि ऑडियो क्वालिटी इसका कैसा है, ये 5-star रेटिंग लाइक है भी या नहीं है, है ना, क्योंकि इसका रेटिंग जो है भाई साहब एकदम 5-star ही लगता है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट चेक करते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है और किस टाइप से ऑडियो क्वालिटी वगैरह है। और दोस्तों इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो ग्रेनारो के साथ कंपैरिजन वीडियो भी होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो, ताकि जो है आपको कंपैरिजन भी मालूम हो जाए और इसका जो किस टाइप का ऑडियो क्वालिटी वगैरह आता है, तो ग्राउंड वगैरह में जाकर भी चेक करेंगे, सारा कुछ चेक करेंगे, नॉइज कैंसलेशन वगैरह कैसा आता है, सारा कुछ। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स में आपको किस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे एकदम प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, यहाँ पे आपको एक आईफोन के लिए आपको मिल जाता है कनेक्टर, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो नॉर्मल माइक्रो यूएसबी मिलता था पहले वाला वो आपको मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है टाइप ए भी माइक्रो यूएसबी आपको मिलता है। तो इसके थ्रू जो है आप अपने लैपटॉप के में भी आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो है आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है काफ़ी बढ़िया लगा। अगर जैसे बॉक्स को हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ प्लग एंड प्ले, नो ब्लूटूथ नीड, नो ऐप नीड, और 1 घंटा आपको चार्ज कर लेना है इस्तेमाल करने से पहले। एक कार्ड ये हो गया। अब जो साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों एक और कार्ड जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये है दोस्तों कि आपको जो है रेटिंग देना है 5-star रेटिंग देने के बाद जो है आपको स्क्रीन शॉट शेयर करना है, शेयर करने के बाद जो है आपको 200 रुपया कैशबैक मिल जाएगा। तो इसी के कारण जो है दोस्तों डाउट हुआ था हमका हल्का। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको एक माइक मिल जाता है और ये है यहाँ पे प्लास्टिक, तो इसको हम लोग जो है हटा लेते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस टाइप से आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाता है, बटन को आप यहाँ पे अगर प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो ये चीज़ जो है यहाँ पे ऑन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ये चीज़ जो है, ये आपका जो है रिसीवर यहाँ पे देख सकते हैं, तो रिसीवर जो है यहाँ पे एकदम नॉर्मल है, इसको मोबाइल में आपको लगा देना है और जो है डायरेक्टली आपका काम करना शुरू कर देगा, पेयरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको तीनों चीज़ मिल जाता है, ये है आपका आईफोन के लिए और ये है आपका माइक्रो यूएसबी और ये है आपका टाइप ए वाला। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, अगर ये चीज़ आपको मिल जाता है ना तो बहुत सही। अगर इसका प्राइस का बात करें तो सब चीज़ आपको अगर आप अलग से खरीदोगे तो आपको 150-200 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको चार्जर यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं चार्जर ही होगा क्योंकि चार्जर के अलावा और क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको टाइप ए टू टाइप सी यहाँ पे चार्जर आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसका हम लोग सबसे पहले इंडोर टेस्ट कर लेते हैं और भी आईफोन के साथ, तो देखते हैं कि किस टाइप का आता है। उसके बाद हम लोग बाहर जाने वाले हैं और वीवो में उसको हम लोग टेस्ट करने आने वाले हैं, यानी कि एंड्रॉइड में टेस्ट करने वाले हैं और वहाँ पे भी देखेंगे किस टाइप से रेंज वगैरह जो है वहाँ पे किस टाइप से होता है, नॉइज कैंसलेशन वगैरह कैसा होता है। सबसे पहले जो है इंडोर टेस्ट करते हैं और आपको जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह जो हम सुनाते हैं कि किस टाइप से जो है ऑडियो क्वालिटी वगैरह यहाँ पे आता है अगर आप इंडोर में अगर आप शूट करते हैं वीडियो। तो चलिए मैं फटाक से दिखाता हूँ। सो गाइस अभी जो मेरा आप ऑडियो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं इस मोबाइल से, इस माइक से, तो आप अभी देख सकते हैं किस टाइप का यहाँ पे जो ऑडियो क्वालिटी वहाँ पे आ रहा है और जो लाउडनेस वगैरह है वो सारा कुछ हमने सेम रखा है, कुछ भी हमने चेंज नहीं करा है। ठीक है, वीडियो क्वालिटी पे नहीं जाना है, वीडियो क्वालिटी जो है एकदम फटाक से चेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऑडियो क्वालिटी आपको सुनना है और हल्का सा भी हम लोग शांत रहने वाले, शांत रहने के बाद देखेंगे कि कुछ नॉइज यहाँ पे कैच होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा किस टाइप से यहाँ पे नॉइज वगैरह यहाँ पे कैप्चर कर रहा है, जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह वो कैसा है, आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो है ये आपको बेस वगैरह कैसा लग रहा है उस पर चलते चलते दोस्तों हम लोग ग्राउंड में चेक करते हैं कि किस टाइप से जो है वहाँ पे ऑडियो क्वालिटी वगैरह ये रिकॉर्ड कर पाता है। तो चलिए फटाक से चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और अभी हम धीरे धीरे जो है दूरी बनाते हुए जा रहे हैं वहीं पर। ऑडियो क्वालिटी किस टाइप का आ रहा है बाहर में, क्योंकि बाहर जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं तो साउंड वगैरह आ रहा होगा। नॉइज कैंसलेशन कैसा है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी ऑप्शन नहीं यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो उससे आपको मालूम हो जाएगा। हवा भी जो है काफ़ी अच्छा सा चल रहा है, मेरा बाल वगैरह भी उड़ रहा है। तो अभी लगभग हम लोग जो है 10 मीटर तो हो गया होगा। ठीक है, तो अभी और दूर जाते हैं, देखते हैं कैसा। Thank you.
तो अभी काफी दूर आ चुके हैं और इतना दूर में तो शायद मैं भी पता नहीं पकड़ा नहीं पकड़ रहा तो इतना दूर आया नहीं कटा अभी मुंडे के बाद कटा था आवाज नहीं कटा हमने कमेंट कर लिया और क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है एक यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन है बाकी अब हम वापस आ रहे हैं लगभग 20 से 25 हो गया था बहुत दूर तो अब हमें बताइए आवाज आ रही है कैसा तो हवा चल रहा है नॉइस कैंसिलेशन आपको मालूम हो जाएगा किस टाइप का आ रहा है बाकी म्यूट का ऑप्शन इसको हम सिंगल प्रेस करते हैं तो म्यूट हो जाएगा तो अभी म्यूट हो गया एक रिवर्ब का यहाँ पे ऑप्शन है तो अगर इसको हम डबल प्रेस करते हैं रिवर्ब हो जाता है तो अभी जो है रिवर्ब यहाँ पे हो गया होगा और आवाज थोड़ा इको कर रहा होगा ठीक है इसको फिर से डबल प्रेस करते हैं तो अभी जो है यहाँ पे नॉर्मल मोड में आ गया होगा तो ऑडियो क्वालिटी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको ये माइक्रोफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए इसका जो रेटिंग है वो तो काफ़ी बढ़िया मिला है हमें अमेजन पे, लेकिन जब ये चीज़ हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि फोर्सफुली यहाँ पे जो है रेटिंग यहाँ पे लिया जा रहा है तो हल्का सा यहाँ पे शक होता है और शक होता है उसका यहाँ पे जो जवाब भी मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे जो बहुत अच्छा लगा ये यहाँ पे जो कनेक्टर वगैरह जो दिया गया है दोस्तों वो काफ़ी बेहतर है। ये आपको और भी ज़्यादा जो जैसे कि आप ग्रेनारो वगैरह का लेते हैं तो उसमें आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता, आपको सिर्फ दो ही मिलता है ठीक है। आपको एक माइक्रो यूएसबी मिलता है और उसमें आपको एक लाइटनिंग के लिए मिलता है ठीक है। लेकिन आपको जो टाइप ए है जिसको आप लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर में वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है ठीक है। मानते हैं सर जो कॉस्ट होगा वो लोग को पड़ा होगा 10-20 रुपये पड़ा होगा, लेकिन जो है अगर हम लोग परचेज करने जाते हैं तो यही चीज़ जो है 150 से 200 रुपये में मिलता है। तो ये चीज़ जो है आपका काम आ सकता है, बहुत ही अच्छी बात है ये चीज़ दिया होगा। ऑडियो क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो ऑडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक है, नॉइज कैंसिलेशन जो है थोड़ा सा और बेटर यहाँ पे हो सकता था है ना। उसके बाद जो है रेंज वगैरह जब हम लोग टर्न करते हैं तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे जो है वॉइस यहाँ पे कटने लगता है ठीक है। तो देखिए अगर पैसे के अनुसार से बात करें इसका दाम जो 1000 रुपये है तो 1000 के हिसाब से ठीक ठाक कह सकते हैं कि आप काम चला सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप काम चला सकते हैं है ना। और आपको यहाँ पे कोई केस वगैरह नहीं मिलता, आपको डायरेक्टली जो है इसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के बाद जो इसको दोस्तों आप इसको 5 से 6 घंटे तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो जो है आप हमारे चैनल पर हमेशा देखते रहें। तो चलिए मिलता है आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।